हेलो गाइस, मैं गौरव कुमार स्वागत करता हूँ आपका पार्सल ऑफ कॉमर्स इस यूट्यूब चैनल पे। ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सही होंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फिर से अकाउंटिंग रेशियो। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने अकाउंटिंग रेशियो का कुछ क्लास में लिया हुआ था, कुछ वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था। ओके, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऊपर आए बटन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और उसमें मैंने बताया था अकाउंटिंग रेशियो के बारे में, अकाउंटिंग रेशियो का डेफिनेशन, अकाउंटिंग रेशियो कितने तरह के होते हैं, कितने तरीके से उसको निकाला जाता है। ओके, और पहला बताया था मैंने लिक्विडिटी रेशियो बता दिया था, जिसमें कि करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो होते हैं। ओके, तो उस दोनों को मैंने अच्छे से डिफाइन करके क्वेश्चन भी अच्छा, मतलब कि दो चार क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व करवाया था। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो वीडियो को समझ रखा होगा, अगर नहीं समझा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो, क्योंकि हमने लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग का टॉपिक है सॉल्वेंसी रेशियो। आज हम लोग सीखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, इसके अंदर कितने रेशियो आते हैं, कितने फॉर्मूले आते हैं, और विथ एग्जांपल, यानी कि मैं रेशियो बताऊंगा और उसके साथ एक क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। ओके, तो आज मैं दो रेशियो कवर करूंगा। ओके, सॉल्वेंसी रेशियो में चार रेशियो हमें निकालना है, मैं बताऊंगा भी, जिसमें से आज मैं दो रेशियो ही कवर करूंगा। और सॉल्वेंसी रेशियो बहुत स्टूडेंट को समझने में बहुत प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से समझाऊंगा और इतना इजी सिंपल वे में समझाऊं कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और कुछ टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। ओके, चलिए तो फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू देखें बिना स्किप किए हुए। ओके, क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सके आपको समझ में ना आए। ओके, तो चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो मैंने सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में लिख दिया है, तो आज हम लोग ये समझेंगे सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। ओके, तो सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ लेते हैं पहले। सॉल्वेंसी रेशियो इज ऑन द वेरियस रेशियो यूज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ कंपनी टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या कहने का मतलब है कि सॉल्वेंसी रेशियो जो के अंदर क्या आता है, वेरियस रेशियो आते हैं, बहुत सारे रेशियो है जो यूज किसके लिए होते हैं, मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द कंपनी, मतलब कि कंपनी के एबिलिटी को मेजर्स करने के लिए, मापने के लिए, क्या मापने के लिए, टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म डेट्स, मतलब उस कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट्स क्या है। ओके, तो लॉन्ग टर्म डेट्स इसे उसमें मापते हैं, किससे मापते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो से। ओके, तो पहला था लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें दो रेशियो हमने पढ़ा था, करेंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो, वो शॉर्ट टर्म डेट्स था, वो शॉर्ट टर्म के लिए था, ये लॉन्ग टर्म के लिए। वो शॉर्ट टर्म हमने करंट जितना भी पढ़ा था वो सब शॉर्ट टर्म था, विद इन वन ईयर, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है, आफ्टर वन ईयर, वन ईयर के बाद का। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म इसको हम देखते हैं। तो सॉल्वेंसी रेशियो में कितने रेशियो आते हैं, चार तरह के रेशियो आते हैं। पहला आते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। पहला क्या है, डेट टू इक्विटी रेशियो। इसमें क्या होता है कि डेट और इक्विटी के बीच के डिफरेंस को देखा जाता है कि डेट की अपेक्षा इक्विटी कितना है। दूसरा आता है प्रोपर्टी रेशियो। प्रोपर्टी रेशियो में इक्विटी और टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशन को देखा जाता है। ओके, तीसरा है टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। यहाँ पे टोटल एसेट्स और डेट रेशियो के बीच में रिलेशन देखा जाता है। उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में चर्चा होगी। तो हम लोग एक एक टॉपिक पे जाके अच्छे से चर्चा करेंगे, अभी मैंने ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बताया। तो आज का हमारा टॉपिक होगा मात्र ये दोनों। ओके, और ये दोनों जो है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज हम दो ही टॉपिक कवर करेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो। इस दोनों के बारे में थ्योरी जानेंगे, क्या है ये, क्यों होता है, इसके फॉर्मूले क्या क्या है, और फॉर्मूला में कैसे इसको पुट करते हैं, और इसका एक एक सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन को सोल्व भी करेंगे। तो चलिए फटाफट मैं डेट टू इक्विटी रेशियो में आता हूँ। ओके, तो गाइस मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो का फोरा मैंने यहाँ लिख दिया, मैं समझा रहा हूँ कि ये होता क्या है। ओके, तो रेशियो ऑफ द टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके, एंड इक्विटी कैपिटल,
मतलब कि टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स, ओके, और इक्विटी कैपिटल, और इक्विटी कैपिटल जो किसी कंपनी का है इन द बिजनेस इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब ये दोनों जिस कंपनी में है जिसका रिलेशन को बताना है उसे ही बोलेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। मतलब किसके किसके बीच का रिलेशन देखना है, किसके किसके बीच का देखना है कि टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स या फिर इक्विटी कैपिटल, यानी हमारे कंपनी में लॉन्ग टर्म डेट्स कितने हैं और इक्विटी कैपिटल कितने हैं। ओके, आप लोग को अगर ये नहीं पता कि डेट्स क्या होते हैं और इक्विटी क्या होते हैं, तो मैंने पिछला ही वीडियो बनाया था इक्विटी एंड डेट्स के बारे में, वो भी मैं ऊपर आई बटन पे लिंक में दे दूंगा, आप वहां जाके देख लीजिएगा कि डेट क्या है इक्विटी क्या है। मैंने पहले इसे बना रखा है क्योंकि मुझे पता था कि इसमें जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। ओके, तो आप वहां जाके दोनों के बारे में क्लियर जान सकते हैं, अगर देख लिए हैं तो, नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, अगर देख लिए तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, तो अब देखते हैं इसका आइडियल रेशियो क्या है, 2:1 नॉट मोर। मतलब कहने का क्या हुआ, मतलब हुआ कि इसका जो भी रेशियो होगा उसका 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2:1 से ज्यादा होगा यानी आपके बिजनेस का पोजिशन बहुत ही खराब है। ओके, चलिए, तो अब देखिए इसका रेशियो क्या कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या है। देखिए ये तीन फॉर्मूला मैंने लिखा है, तीनों सेम ही है, या डेट बोलिए, लॉन्ग टर्म डेट्स बोलिए, या लॉन्ग टर्म लोन्स बोलिए, बात बराबर है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, डेट्स और इक्विटी वाले वीडियो में, कि डेट्स और लोन दोनों सेम ही है, एक ही चीज है। अगर किसी से हम लोन लेते हैं तो समझे कि हम डेट्स ले रहे हैं उससे। ओके, तो डेट बोलिए, लॉन्ग टर्म डेट्स बोलिए, या फिर लॉन्ग टर्म लॉन्स बोलिए, बात बराबर है, वही कंडीशन है। इक्विटी बोलिए या शेयर होल्डर फंड बोलिए या शेयर होल्डर फंड बोलिए, तो सेम चीज है। मतलब ये इन तीनों फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, एक ही फॉर्मूला है, अलग है, नाम सिर्फ अलग अलग है। जैसे एक इंसान का नाम दो तीन हो सकता है, ओके, एक जिसका नाम राम है उसका नाम राम है, छोटू है, मोटू है, बहुत तरह का नाम होता है, ओके, एक का हो सकता है ना। उसी तरह डेट्स का भी तीन तीन नाम है, ओके, इक्विटी का दो ही नाम है, तो इसके साथ ही आ गया। तो ये हमारा क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, डेट बाय इक्विटी, यानी कि आपका डेट होना चाहिए 2 और इक्विटी होना चाहिए 1, इससे कम ही होना चाहिए, यानी नीचे तो 1 रहेगा ही रहेगा, ऊपर में जो डेट है वो 2 से कम ही होना चाहिए, मैक्सिमम 2 तक होना चाहिए। 2 से ऊपर होगा यानी आपके पास लोन ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे आपको, यानी कि डेट अगर 2 से ज्यादा हो गया तो आपके पास लोन ज्यादा हो जाएगा। जब आपका लोन ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको पता है कि आपकी कंपनी का क्या हाल हो सकता है, कि ज्यादा लॉन्ग सही नहीं होता है। ओके, तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम समझेंगे कैसे कि डेट्स में क्या क्या आइटम्स आते हैं और इक्विटी में क्या क्या आइटम्स आते हैं, अब हमको वो समझना है। तो उसके लिए मैंने यहां लिख दिया है, मैं स्क्रीन पे भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मैं दे दूंगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, स्क्रीन पे भी अभी लिखा हुआ आ रहा होगा। चलिए, तो पहला है लॉन्ग टर्म लोन्स या डेट्स, ऊपर का जो भी है मैंने वो लिख दिया है। इसमें क्या क्या आते हैं, एक डिवेंचर, ओके, 12th के सिलेबस में डिवेंचर नाम का एक चैप्टर भी है, ओके, ये एक तरह का लॉन्ग टर्म लोन हुआ, जो पब्लिक से हम लोन लेते हैं, पब्लिक से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। ओके, डिवेंचर हो गया, मॉर्गेज लोन, मॉर्गेज बंधन, बंधक जो बोलते हैं हम, कोई सामान को, कोई एसेट्स को जमा करके बंधक बना के हम लोन ले लेते हैं। बैंक लोन, बैंक से हम डायरेक्टली लोन ले लेते हैं। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोन लेंगे। पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक का डिपॉजिट अगर हो गया, मान लीजिए कोई पब्लिक हमको जमा किया तो वो तो मेरा पैसा नहीं, तो पब्लिक का पैसा वो कभी भी ले जा सकता है, तो पब्लिक का डिपॉजिट जो हमारे पास है वो भी हम लॉन्ग टर्म डेट्स में लगा सकते हैं। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, जितने भी तरह के प्रोविजन होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे एसेट्स हैं जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सब भी हमारे पास जमा होता है। ओके, जितने भी प्रोविजन है वो सब हमारे पास जमा होता है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं इसमें। अगर आपको पता नहीं है प्रोविजंस क्या है तो मैं इसका भी एक वीडियो में बनाऊंगा कुछ समय बाद, आप लोग देख लीजिएगा। तो सिंपल में समझिए, प्रोविजन वो होते हैं जो हमें लॉस की कमी को पूरा करते हैं, जो हमें लॉस होने वाला होता है उसकी कमी को हमें पूरा कर देते हैं। जैसे मान लीजिए डेप्रिसिएशन एसेट्स में लगता है, हम पहले से जमा करते रहे कि हाँ हमारे पास 10,000 रुपए जमा कर लेंगे, तो क्या बाद में डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या हमें लगेगा कि हमें लॉस हुआ, नहीं लगेगा, तो मैंने जमा कर दिया था। ओके, तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म लोन।
समझा गया। ये इतना ही आइटम इसमें रहेगा जो कि आपको देखना है, क्वेश्चंस में निकालना है और उसमें जोड़ देना है, आपका लॉन्ग टर्म लॉस निकल जाएगा। उसके बाद क्या आता है, शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी। इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रिफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या अदर रिजर्व। देखिए शेयर कैपिटल क्या है मैंने बताया था इक्विटी में पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा ठीक है। और कोई भी तरह का रिजर्व मतलब जमा करके रखना, कोई भी तरह का रिजर्व आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप सबको जोड़ दीजिएगा। और पीएल क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट यानी आपके पीएल अकाउंट में जितने भी क्रेडिट अमाउंट है, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब क्रेडिट साइड का जितना भी बैलेंस है वो बैलेंस को आप यहाँ पे एड कर दीजिएगा। और सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड अगर आपके पास है क्वेश्चन में दिया है तो एड कर लीजिएगा। और फिक्टिटियस एसेट्स को लेस कर दीजिएगा। फिक्टिटियस एसेट्स क्या, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ओके इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा ठीक है, तो बाद में आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि फिक्टिटियस एसेट्स में मैं डिस्कशन में दे दूंगा, फिक्टिटियस एसेट्स के अंदर में क्या क्या आते हैं मैं डिस्कशन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां देख लीजिएगा ओके। तो वो सारे आइटम्स को आप यहाँ लेस कर दीजिएगा। तो ये आपका हो गया डेट टू इक्विटी रेशियो ओके। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका हम सॉल्व कर लेते हैं ओके। ओके गाइस, तो मैंने इसका क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है ओके। अब मैं इसे आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी रेशियो, वही जो भी मैंने बताया आपको ओके। तो चलिए इसमें क्या बोला, डिवेंचर 140,000, लॉन्ग टर्म लोन 70,000, बैंक बैलेंस 30,000, ट्रेड रिसीवेबल 70,000, जनरल रिजर्व 40,000, क्रेडिटर 66,000, शेयर कैपिटल 120,000 एंड बिल पेबल 14,000। कहने का क्या मतलब, मैंने क्वेश्चन पूरा लिख दिया है, अब इसमें क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो मैंने डेट टू इक्विटी रेशियो बताया था, इक्विटी रेशियो मैंने बताया था डेट बाय इक्विटी ओके। डेट बाय इक्विटी, तो डेट बाय इक्विटी में डेट में क्या क्या था वो आपको देखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको बताया था डेट में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म लोन में क्या क्या आता है वो देखना होगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है, डिवेंचर तो था और लॉन्ग टर्म लोन था, क्या और भी कुछ था उसमें, ये तो आपका एसेट्स हो गया, ये तो आपका एसेट्स हो गया, ये तो आपके रिजर्व में इक्विटी में चला जाएगा। तो मात्र ये दो ही आइटम आपका जाएगा डेट में ओके। मैंने उतना सारा इसलिए लिखा है कि आप उसमें कोई भी दे देगा तब उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा ओके। तो मैं लिख लेता हूं इसको टू क्या है, डिवेंचर और लॉन्ग प्लस लॉन्ग टर्म डेट लॉन है ना लॉस ओके, डिवाइडेड बाय इक्विटी। इक्विटी में क्या बताया था, जनरल रिजर्व और सेल कैपिटल, बाकी सब तो कुछ हो नहीं सकता है तो आपको इसमें देखना पड़ेगा, जनरल रिजर्व प्लस शेयर कैपिटल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ओके। अब आप इसे अमाउंट में फुट कर दीजिए, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 एंड 1,20,000 प्लस 1,20,000, इसे आप प्लस कर दीजिए कितना हो जाएगा, 2,10,000 बाय 1,60,000 ओके। तो कितना निकल गया इसका, 2,10,000 ओके, इसका निकल गया 1,60,000। तो ये मैंने क्या किया, जितना भी जो आइटम था उसको देख करके ये मैंने अमाउंट निकाल दिया। अब इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको निकालना है रेशियो, किसका रेशियो क्या हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका 21 बाय इक्वल टू 1.31 बाय 1, यानी क्या 1.31:1, ये रेशियो आपका आंसर निकल गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे निकाले, ये बस हम कुछ नहीं किए हैं, इसमें आपको जो भी रेशियो आपको देखना है कि इसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, जो मैंने आपको लिखाया था, जो मैंने दिया था वो अच्छे से याद कर लीजिएगा कि डेट में क्या क्या आते हैं और इक्विटी में क्या क्या आते हैं, उसको आपको मन में याद करके रख ही लेना है, क्योंकि कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप मान लीजिए कि इसका कोई यूज था नहीं, इन दोनों का इसका भी कोई यूज था नहीं, इसका कोई यूज था नहीं, या फिर दिया क्यों, ये आपका टेस्ट ले रहा है, ये सोच रहा है कि आपके माइंड में कितना भूसा भरा हुआ है, अगर आपके माइंड में भूसा भरा रहेगा तो आप इसको भी डाल दीजिएगा ओके। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लोग सोचता है क्या, क्वेश्चन सोचता है क्या, चलो स्टूडेंट को थोड़ा फंसा दे
कि वो बना पाता है कि नहीं बना पाता है। लेकिन हमें पता है कि हम भी इंटेलिजेंट हैं, हमें भी नॉलेज है कि कौन कौन सा रेशियो में आता है, मैं उसे ही लूंगा, बाकी को छोड़ देना है, जो करना है करेगा, क्या करेगा, लोग कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि उन लोग का जगह ही यहां नहीं है, इन लोग का जगह कहीं और है। ये तो आपका शॉर्ट टर्म होगा क्रेटर, जो मैंने बताया था बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म होगी आपका, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया आपका, अदर चीज का हो गया, लेकिन इसमें जो चीज का जरूरत था वो मैंने ले लिया, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरे रेशियो की तरफ, जो है प्रोप्राइटरी रेशियो, ओके। तो उस रेशियो को हम लोग समझते हैं, ओके। ओके गाइस, तो मैंने ये प्रोप्राइटरी रेशियो मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है, द प्रोप्राइटरी रेशियो इज द रेशियो ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी टू टोटल एसेट्स। यानी कि हमें किस चीज का रेशियो निकालना है, शेयर होल्डर और टोटल एसेट्स। टोटल यानी कि टोटल एसेट्स यानी कि हमारे पास टोटल कितने एसेट्स हैं, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो चाहे वो करंट एसेट्स हो, ओके। और शेयर होल्डर इक्विटी तो मैंने आपको बताया भी, अभी थोड़ा देर पहले भी बताया था और पिछले वीडियो में भी बताया था कि इक्विटी क्या होती है, इक्विटी यानी शेयर होल्डर फंड, ओके, जो मैंने पिछले अभी थोड़ी पहले मैंने इसे बताया था, ओके। जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि शेयर होल्डर फंड, इक्विटी या प्रोप्राइटर फंड, तीनों एक ही नाम है, बंदे एक नाम तीन, इसके लिए आपको टेंशन या घबराने की जरूरत नहीं है। टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिटियस एसेट्स, क्यों, क्योंकि मैंने शेयर होल्डर फंड में फिक्टिटियस एसेट्स को लेस कर दिया था, वहां यूज मैंने कर लिया था, इसीलिए इसमें फिक्टिटियस एसेट्स को नहीं लेना है हमें। ऐसा नहीं कि टोटल एसेट्स से फिक्टिटियस एसेट्स मिला हुआ है तो उसको भी ले लेना है, उसको हटा करके, उसको छोड़ करके लेना है, ओके। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो हमें क्या देखना है कि शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट्स के बीच में कंपेयर करना है, यानी कि एसेट्स के अपेक्षा शेयर हमारे पास कितना है, इक्विटी हमारे पास कितना है, हमें वो देखना है। और इसका आइडियल रेशियो कोई फिक्स नहीं है, आपका जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना बेटर रहेगा। ये ऑनर्स इक्विटी हमने पहले ही बताया था कि पिछले वीडियो में कि इक्विटी मतलब ऑनर्स इक्विटी होता है, ऑनर्स कैपिटल होता है, ऑनर का अधिकार होता है, ठीक ना। तो टोटल एसेट से ऑनर्स का जितना भी कैपिटल ज्यादा होगा उतना हमारे लिए बेस्ट है, यानी कि इक्विटी जितना ज्यादा हो सकता है, ओके। टोटल एसेट्स में आपका लायबिलिटी भी इंक्लूड होता हुआ, याद रखिएगा, टोटल एसेट्स में लायबिलिटी भी इंक्लूड रहता है, ओके। क्योंकि बैलेंस शीट अगर आप देखते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड और एसेट साइड रहते हैं, ओके। तो दोनों बराबर होते हैं, यानी कि लायबिलिटी भी सेम और एसेट्स भी सेम, दोनों इक्वल होते हैं, ओके। तो टोटल एसेट्स में लायबिलिटी भी इंक्लूड रहता है, लेकिन लायबिलिटी तो लोन में चला गया तो वो डेट्स में चला गया, लेकिन हमें इक्विटी देखना है, ओके। तो वही देखना है कि कितना एसेट्स से तुलना में कितना ज्यादा हमारे पास इक्विटी है उतना हमारे लिए अच्छा होगा, उतना हमारी कंपनी अच्छे से चल सकती है, ओके। तो अब जानते हैं, हालांकि शेयर होल्डर फंड के बारे में भी तो मैंने बताया था उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं, तो आप देख लीजिएगा, ओके। अब आते हैं टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को जोड़ दीजिएगा, आपका निकल जाएगा फिक्टिटियस एसेट्स। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्या है तो वो भी मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, जो कि मैंने एसेट्स का सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहां जाके देख लीजिए। अगर आपने देख लिया है तो नो प्रॉब्लम, नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, ओके। उसके बाद क्या है दूसरा, टोटल बैलेंस ऑफ बैलेंस शीट। अभी भी मैंने बताया कि बैलेंस शीट का जो भी टोटल बैलेंस है वो हमारा टोटल एसेट्स हो सकता है, लेकिन एक्सक्लूडिंग फिक्टिटियस एसेट्स, फिक्टिटियस एसेट्स को हमें नहीं लेना है, ओके। तो ये हमारा छोटा सा थ्योरी बेस था इसका, ठीक है। अब इस पर भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्यों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये कैसे काम करता है, बिना क्वेश्चन का समझ में नहीं आता, अकाउंट्स है बहुत दिमाग खराब करता है, लेकिन है बड़ा मजेदार, ओके। सिर्फ थ्योरी समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कीजिएगा तो इतने अच्छे समझ में आएगी क्या बात है, ओके। तो चलिए इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ओके गाइस। तो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मेशन कंप्यूट प्रोप्राइटरी रेशियो, हमें क्या निकालना है, प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। नीचे कुछ डाटा दिया हुआ है जो कि हमने पढ़ा है थोड़ी पहले थ्योरी में, अब उसे प्रैक्टिकल में सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1 लाख, करेंट लाइबिलिटीज 50,000, नॉन करेंट एसेट्स 3,60,000 और करेंट एसेट्स 90,000। अब देखिएगा, आप बोलिएगा कि यहाँ पे शेयर होल्डर फंड जो हमें निकालना था उसका तो कोई डाटा दिया ही नहीं है यहाँ पर,
ना तो शेयर कैपिटल दिया है, ना तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ना तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ना तो कोई तरह का रिजर्व दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसका एक और फॉर्मूला होता है। ओके चलिए सबसे पहले इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू शेयर होल्डर फंड बाय टोटल एसेट्स। ओके तो शेयर होल्डर फंड का एक नया फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, एक नया फॉर्मूला। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो इस नए फॉर्मूले पे आप पुट कर सकते हैं। नया फॉर्मूला क्या है? नन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। अब आप बोलिएगा ये तो अभी हम बताए थे टोटल एसेट्स का फॉर्मूला, तो क्या आपको ये भी मैंने बताया था कि टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, ये मैंने बताया था? जी हाँ, जब आप टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं तो ये टोटल लायबिलिटी के बराबर हो जाता है। तो हमें चाहिए शेयर होल्डर फंड, लेकिन शेयर होल्डर फंड में हमें टोटल लायबिलिटी की जरूरत नहीं है, कुछ वैसे लायबिलिटी की जरूरत है जो कि ऑनर्स इक्विटी होते हैं, ऑनर्स के शेयर होते हैं, ऑनर्स के हिस्से होते हैं, तो वो निकालने के लिए हम इसमें लेस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी। क्या लेस कर देंगे? लेस आउटसाइड लायबिलिटी। ओके आउटसाइड लायबिलिटी मतलब बाहर का, हमारे अंदर का नहीं। ओके यानी इसको डेट्स बोलते हैं हम लोग, डेट्स जिसको बोलते हैं वो आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। लेकिन डेट्स में लॉन्ग टर्म आ जाता है, लेकिन हमें शॉर्ट टर्म को भी लेना है आउटसाइड में, शॉर्ट टर्म डेट्स जो होते हैं उसे भी लेना है। ओके तो चलिए, तो इसे मैं फटाफट मैं कर लेता हूं। नन करेंट एसेट्स कितना हो गया? 360,000 प्लस 90,000। ओके और माइनस कर देंगे आउटसाइड लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस भी है और करंट लायबिलिटी, तीनों है ये आउटसाइड लायबिलिटी। ओके ये तीनों को हम क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो टोटल लायबिलिटी में आउटसाइड लायबिलिटी को लेस कर देंगे, जो बचेगा हमारा शेयर होल्डर फंड बढ़ जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर फंड हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ही शो करते हैं। ओके चलिए इसको फटाफट में लेस कर लेता हूं, 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000। ओके तीन हमारा कितना हो गया? 4,50,000 माइनस 3,50,000 इक्वल टू 1 लाख। हमारा कितना निकल गया? शेयर होल्डर फंड निकल गया 1 लाख। ओके तो ये फॉर्मूला को भी माइंड में फिट कर लेना है, ये ज्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। ओके और लायबिलिटी के बारे में अगर नहीं पता है तो वो भी उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ओके चलिए अब आते हैं टोटल एसेट्स में। टोटल एसेट्स का क्या हो गया? नन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ओके नन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स को जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3,60,000 प्लस 90,000 इक्वल टू 4,50,000। ओके तो हमारा निकल गया, दोनों निकल गया, हमें क्या क्या चाहिए था? शेयर होल्डर फंड चाहिए था 1 लाख आ गया, ये 1 लाख लिख लेते हैं। उसके बाद हमें टोटल एसेट चाहिए था 4,50,000, ये भी मैं लिख लेता हूं। ओके तो ये आपका क्या हो गया, मतलब कि दोनों निकल गया। अब इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2/9। ओके अब इसे 0.222/1 यानी कि आपका रेशियो हो गया 2:1 आंसर। तो ये हमारा क्या निकल गया? प्रोप्राइटरी रेशियो हमारा निकल गया। तो जितने भी रेशियोज हैं वो इसी तरह के हैं, सिंपल सा है, बस आपको माइंड में रखना है कि उसके फॉर्मूला क्या है। जो हम लोग मैथ में पढ़ते थे 10th में, उसमें हम लोग क्या देखते थे? फॉर्मूला देखते थे, उसी के आधार में पुट करके हम सॉल्व करते थे। तो हमारा रेशियो भी सेम इसी तरह का है, हमें क्या करना है? बस फॉर्मूले से याद रखना है और फॉर्मूला में क्या क्या आइटम्स आते हैं उसे माइंड में रखना है, उसका आपका आसान आराम से सॉल्व होगा। और आप सोचिएगा शेयर होल्डर फंड का कोई और फॉर्मूला होता है क्या? जी नहीं, मात्र ये दो ही फॉर्मूला होता है। मैंने उस समय इसलिए नहीं बताया तो एक टाइम में आपको अजीब सा लगने लगता है, इसीलिए मैं सोचा कि जब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, जब जब जिसकी जरूरत होगी तब तब मैं उसका फॉर्मूला बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। ओके पहले बताने के बाद
अजीब सा लगने लगता है कि इतना सारा है, तो समझ में नहीं आता है। जब पहला फॉर्मूला का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो वो तो आपको समझ में आ गया, तो अब दूसरे फॉर्मूले पे जाएंगे, आप इससे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो भी बताया आपको, आपको समझ में अच्छे से आया होगा। आज मैंने दो रेशियो कवर किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है और बहुत सारे स्टूडेंट को इस रेशियो में बहुत प्रॉब्लम होता है, जैसा कि मैंने देखा है। मैं भी जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था तो वो लोग बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे कि इस कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपको फिर भी कोई तरह का क्वेश्चन इसमें आता है तो आप नीचे प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आप जिस समय कमेंट कीजिएगा इमीडिएट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, हाँ, लेकिन नाइट्स में रिप्लाई नहीं मिल सकता है। नाइट में आप कमेंट करेंगे तो मैं दूसरे दिन सुबह दे दूंगा, लेकिन दिन भर में कभी भी आप कमेंट कीजिएगा, सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, सर मुझे उसमें प्रॉब्लम है, तो मैं इमीडिएट आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दूंगा। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसका मैं सेपरेट वीडियो ही बना दूंगा, अगर फिर से जरूरत होगा तो मैं फिर से इसका वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। ओके, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको इमीडिएट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, थैंक यू।